Bollywood actor Ranbir Kapoor finally appeared in front of media, where he was bombarded with the questions related to the highly publicized holiday pictures of Katrina Kaif and him. Ranbir Kapoor opened up to media. Hear it out. पिक्चर में कटरीना कैफ बहुत सुंदर लग रही है और इबिजा भी बहुत ही सुंदर जगह है, प्लीज जाके आप विजिट कीजिएगा। रणबीर कपूर कैसे, रणबीर कपूर कैसे दिख रहे हैं उसमें, उनके बारे में जरा कमेंट करें। मैं खुद के बारे में क्या बोल सकता हूँ, आपको मजा आया देखने में? बहुत मजा आया, सभी लोगों को मजा आया। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? साथ में मैंने भी इंजॉय किया। थैंक यू। ये रणबीर कपूर से जानना चाह रहा था मैं, क्या यही कि आपको मजा आया, आपने खुद भी तो देखा होगा ना। मैं तो इबिजा में था ना, मैं फोटो देख के मजा क्यों करूंगा, मैं तो इबिजा में मजा। जब आपको ये खबर मिली होगी, आपने मैगजीन्स पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या टेलीविजन देखा हो, तो आपने एंजॉय किया कैटरीना के साथ इस पिक्चर के बारे में? नहीं, ये बहुत ही गलत सवाल है, आप कोई और। बच्चनो, रणबीर आप श्रीलंका में थे, पिछले डेढ़ एक महीने से कई खबरें अखबार में आ रही हैं अबाउट योर रिलेशनशिप विद कैटरीना कैफ। अगर आप बताना चाहें कि वाकई में कुछ है, सच है, गलत है, या फिर दोस्ती है, या फिर दोस्ती से आगे बढ़कर चीज़ें हैं, कुछ भी बताना चाहें। वो यही मैं कह रहा था कि एक जब मैं नया नया आया था फिल्म इंडस्ट्री में, मैं खुल के बात करता था अपने रिश्ते के बारे में। आई थिंक क्या होता है कि पहले तो आपका जो स्पॉटलाइट है वो काम से निकल के आपके पर्सनल लाइफ में आता है। आज वैसे ही मिस्ट्री मर रही है एक एक्टर की, यू नो वी आर ऑन टेलीविजन डूइंग एड फिल्म्स, प्रमोशंस, फिल्म रिलीज हो रही है, तो बिफोर यू गेट बोर्ड ऑफ मी आई वुड लाइक टू प्रोटेक्ट माई लाइफ। मैं आई डोंट वॉन्ट माई लाइफ टू बिकम अ रियलिटी शो कि मैं एक बिग बॉस का कंटेस्टेंट हूँ और आप हर जो मैं बाथरूम जा रहा हूँ आपको पता चल रहा है, मेरे बेडरूम में क्या हो रहा है आपको वो भी पता चल रहा है। जो आप लिखना चाहते हो अगर आपके पास फोटोज़ है आप खुल के छापो, मुझे उससे कुछ कोई परहेज नहीं। बट जितना मैं अपने पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, जितना जस्ट टू हैव अ गुड बैलेंस्ड हेड, मैं वो कोशिश करूँगा। देखिए, मैं भी टैबलॉइड पेपर्स पढ़ता हूँ, मैं भी न्यूज़ चैनल्स देखता हूँ, जब किसी और के बारे में खबर आती है तो एक्साइटमेंट होती है, अरे ये क्या हो रहा है, इन लोग कहाँ जा रहे हैं, इन लोग क्या कर रहे हैं। जब खुद की आती है तो थोड़ी बहुत हवा टाइट हो जाती है, बट आई थिंक मैं बहुत बिजी था, मैं बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग कर रहा था श्रीलंका में, बहुत घुस चुका था फिल्म के अंदर, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया या मैं डिप्रेस हो गया। So friends, are you convinced with Ranbir's answers? Post your comments below. Hi, this is John Abraham. Subscribe to Bollywood Now.